नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का जो 25% तक का जो मानदेय बढ़ा है उससे रिगार्डिंग मैं बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज की जानकारी मिलती है, वहाँ दोस्तों अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आखिर वीडियो के अंदर दोस्तों जितने भी संविदा कर्मी स्टाफ हैं जैसे GNM, ANM, BHM, BCM, जितने भी ब्लॉक लेवल से लेके स्टेट लेवल तक DPM जितने भी लोग हैं दोस्तों, सभी लोगों की मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों 8000 ANM सहित 17000 स्वास्थ्य कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। जो दोस्तों जिनका मानदेय बहुत कम मिल रहा था उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। क्या CHO कर्मी भी इसके अंदर लाभान्वित होंगे, मैं आपको वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों खबर ये कहां से है, क्या है, पूरी खबर मैं देने वाला हूं अखबार की कटिंग के साथ में। चलिए दोस्तों चलते हैं अखबार की कटिंग की तरफ। उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा हर एक ग्रुप में। अगर आपके कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कोई कमेंट दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई करूँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों खबर है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का 25% तक बढ़ा मानदेय, 8000 ANM सहित 17000 स्वास्थ्य कर्मियों को होगा लाभ। दोस्तों पटना से खबर है, राज्य में संविदा व बहाल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खुशखबरी है। NHM के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति माह मानदेय में 10 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों ये जितनी भी बढ़ोतरी हुई है इसमें 8000 ANM 17000 कर्मियों को लाभ इसके अलावा मिलेगा, जिनमें से मानदेय में 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। पहले से जिनका अधिक मानदेय था उन्हें 10% की बढ़ोतरी दी गई है, जिनका मानदेय बहुत ज़्यादा था उनको 10% बढ़ा दिया गया है और जिनका बहुत कम था उनका 25% तक मानदेय बढ़ा दिया गया है। जैसे कि ANM का जो मानदेय अभी 12,500 रुपये है, उनका मानदेय 12,500 से बढ़ाकर अब 15,000 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर अभी जिन जिन लोगों को जितना मानदेय मिलता है वो ANM है 12,500 रुपया, इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजर को 25,000, GNM ए ग्रेड को 20,000, DPM तक को 32,000 रुपये सैलरी मिलती है, जिनकी सैलरी अब 10 से 25% तक बढ़ चुकी है। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी ये है, बिहार से उठ के आई है, ऑफिशियल लेटर आना बाकी है। ऑफिशियल लेटर में देखते हैं दोस्तों कि CHO को भी इसके अंदर लाभान्वित किया गया है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों इस न्यूज़पेपर की कटिंग में CHO का नाम नहीं है। अभी देखा जाएगा, जो अभी बैठक में निर्णय हुआ है, अब जैसे ही ऑफिशियल लेटर आ जाएगा तो आप लोगों तक खबर मिल जाएगी कि इसके अंदर CHO का भी मानदेय बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।